हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार के राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। और इस वीडियो में आप लोगों को गांधी मैदान घुमाने के साथ साथ इससे जुड़ी हर एक जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि इस ऐतिहासिक मैदान से कई सारे आंदोलनों की शुरुआत हुई थी और इसका नाम पहले कुछ और हुआ करता था। इसका नाम कब गांधी मैदान पड़ा और क्यों पड़ा, सारी जानकारी आप लोगों को डिटेल में देने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग गांधी मैदान के अंदर आ गए हैं और अंदर से देखिए 60 एकड़ में फैला हुआ गांधी मैदान किस तरह का दिखता है। इसके अंदर आने के लिए आपको 8 दरवाजा मिलेगा, आप किसी भी दरवाजे से अंदर आ सकते हैं। और सामने देखिए बिस्कुमान भवन, और इस तरफ देखिए गांधी जी का एक मूर्ति है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे वीडियो में, आगे बने रहिएगा। और इस तरफ देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं गांधी मैदान में। दोस्तों, सन 1824 से 1833 की अवधि के समय ब्रिटिश शासन में इस ऐतिहासिक गांधी मैदान का उपयोग गोल्फ कोर्स और घुड़दौड़ के लिए किया जाता था, और उस समय इस गांधी मैदान का नाम पटना लॉन हुआ करता था। लेकिन जब 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या हुई, उस समय उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस ऐतिहासिक पटना लॉन को गांधी मैदान नाम दे दिया गया और तब से इसका नाम गांधी मैदान है। और देखिए इस तरफ महात्मा गांधी की मूर्ति, चलिए आप लोगों को पास से दिखाते हैं और इसके बारे में जो जानकारी है इसे आप लोगों को देते हैं। इस तरफ देखिए पेड़ पौधा लगा हुआ है और इसके अंदर गांधी जी की मूर्ति है, आइए आप लोगों को दिखाते हैं सामने से। देखिए इसके अंदर एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, साफ सफाई भी अच्छी तरह से किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए गांधी जी की मूर्ति। दोस्तों, यह मूर्ति महात्मा गांधी की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी कुल ऊंचाई 22 मीटर है और यह कांसा धातु से बनाया गया है। और यहाँ पर भी देखिए फूल लगाया गया है, चलिए ऊपर से देखते हैं किस तरह का दिखता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है नमक सत्याग्रह दांडी मार्च 1930। इस पैनल में गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ दांडी में नमक उठाते दिखाए गए हैं। और यहाँ पर देखिए चरखा खादी स्वावलंबन का प्रतीक, स्वतंत्रता संग्राम की वर्दी। और इस तरफ देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917, इसके बारे में जानकारी दिया गया है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज देखने के लिए है यहाँ पर। तो चलिए वीडियो में बने रहिए आप लोग। दोस्तों, इस ऐतिहासिक गांधी मैदान से कई सारे आंदोलनों की शुरुआत हुई थी, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण था चंपारण सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन 1974 ईस्वी में इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान से जेपी आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। और देखिए गांधी मैदान के चारों तरफ इस तरह का रास्ता बना हुआ है, जिस पर सुबह सुबह लोग टहलते हैं, दौड़ने भी आते हैं। और इस तरफ देखिए जिम बना हुआ है, देखिए कुछ लोग कर भी रहे हैं, फ्री जिम है। देखिए सब व्यवस्था है यहाँ पर, कुछ लोग लगे हुए भी हैं।
जिम करने में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और देखिए इस तरह की व्यवस्था बैठने के लिए आप लोगों को इसमें हर जगह मिलेगा। देखिए साफ सुथरा भी है दोस्तों। इसी गांधी मैदान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में अपना सभा का संबोधन कर रहे थे तो कुछ उपद्रवियों द्वारा इसी गांधी मैदान में बमबारी किया गया था, जिसमें बहुत कुछ क्षति हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों को गांधी मैदान घूमकर कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा घूमकर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।